ये कहानी 15 साल की जैन नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसे 32 साल के एक चाइनीज अंकल से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये लोग सुबह शाम खाते पीते बस दिन रात टपा टप करते हैं, लेकिन जैन के घर वालों को सिर्फ पैसों से ही मतलब था। उसके बाद इन लोगों के टपा टप के कार्यक्रम में फुल स्टॉप कब लगता है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है। मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लोवर, जिसे 1992 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बूढ़ी माता को देखते हैं, जो हमें लिखकर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद हम 15 साल के एक जैन नाम के लड़की को देखते हैं, जो कि स्कूल जाने वाली एक लड़की है, और वो अपने घर में अपनी माँ और दो भाई के साथ रहती है। और यहाँ पर जैन की माँ एक टीचर है, लेकिन जैन के बड़े भाई का बिहेव जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ईगो में ही बात करता था और वो अपनी छोटे बहन को हमेशा परेशान किया करता था। और ये बात जैन अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसके बड़े भाई को कुछ भी नहीं बोलती। और यहाँ पर जैन अपनी स्कूल की छुट्टी होने की वजह से वो अपने घर पर आई हुई थी, और स्कूल की छुट्टियाँ समाप्त होने के बाद वो लोग स्कूल के लिए वहाँ पर वापस जाने लगते हैं, और उसकी मॉम भी उसके साथ उसे छोड़ने के लिए जाती है। उसके बाद जैन नाव से बाहर निकलकर चीजों को सर्व कर रही थी, तभी उसी दौरान कार में बैठा एक इंसान कार से बाहर निकलकर जैन को ताड़ रहा था, जो कि काफी अमीर और मेड इन चाइनीज था। उसके बाद वो जैन के पास जाता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जैन इस पर उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती। और मैं आपको बता दूं कि उस चाइनीज लड़के का नाम टोनी है, और वो जैन को बताता है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हॉस्टल तक तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसके बाद जैन भी उसकी बातों को मान जाती है, क्योंकि उसे भी लग्जरियस कार में बैठना था। कार में बैठने के बाद दोनों को एक दूसरे से बात करने का मन था, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी पॉइंट नहीं था। तब जैन उस व्यक्ति को बोलती है कि मैं बस अभी 17 साल की हूँ, और उसके बाद टोनी भी अपनी एज 32 साल बताता है। उसके बाद पता नहीं उन दोनों के बीच में चरम सीमा कहां से आ जाता है, और टोनी उसके हाथ को पकड़ लेता है। परंतु जैन को भी यहां पर इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी टोनी में इंटरेस्ट ले रही थी। और यहां पर जैन टोनी को अपनी एज इसलिए गलत बताती है ताकि टोनी उसके करीब आ सके। उसके बाद टोनी जैन को उसके हॉस्टल पर छोड़ देता है और वो वहां से चला जाता है। जैन की लाइफ में पहला व्यक्ति आता है, इसलिए वो काफी खुश थी, और वो एक्साइटमेंट के चक्कर में उसकी सारी बातें अपने फ्रेंड को बताने लगती है। अगली सुबह जब जैन अपने घर से स्कूल जा रही थी, तभी स्कूल के बाहर उसे टोनी की कार नजर आती है, जिसके बाद जैन टोनी का ये सारा समझ जाती है और वहाँ पर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ से टोनी के प्यार के बुलबुले फूटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोनी को एक बात क्लियर हो जाती है कि जैन भी उसे अब लाइक करने लगी है। शाम को जैन की स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैन टोनी को ढूंढने लगती है, लेकिन टोनी वहाँ पर नहीं होता। अगले दिन जैन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तब उसे बाहर में टोनी की कार नजर आती है और वो उसकी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद टोनी उसे जन्नत की सैर करवाने के लिए एक प्राइवेट रूम पर लेकर जाता है, और वो जैन से कहता है कि ये तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक लॉज है। पर वहां की चीजों को देखकर जैन को ये बात अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये टपा टप करने वाला रूम है, जहां पर सिर्फ आवाजें ही निकलती है। और टोनी जैन की एज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि जैन उस मेड इन चाइनीज व्यक्ति की एज से काफी ज्यादा कम थी। जिसके बाद टोनी जैन को अपने घर पर जाने के लिए कहता है, तब जैन उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टपा टप करो। ये सुनने के बाद भाई साहब टोनी को तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ही मिल गया हो, कभी बैठ के तो कभी लेट के, कभी आगे से तो कभी पीछे से, कभी ऑडी तो कभी BMW, और वो पूरे दिन ही लगातार ऐसा ही करते हैं, जैसे कि उनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो। उसके बाद जैन टोनी को बताती है कि मेरे डैड के एक्सपायर होने के बाद हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद टोनी को ऐसा लगता है कि जैन ने मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए ही टपा टप किया था। तभी जैन उससे बोलती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ, और मैं अपनी फैमिली की सारी समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। जिसके बाद टोनी उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, और इस पर जैन उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ टोनी जैन को बोलता है कि हमारे चाइनीज में एक वसूल है, और मैं एक चाइनीज हूँ, और मेरी शादी भी एक चाइनीज लड़की से ही होगी, और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जैन अपने आप को सांत्वना देने के लिए जैन भी उससे बोल देती कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, और ये एक सुनहरा पल है जो मैं तुम्हारे साथ जी रही हूँ। लेकिन रात को सोने समय जैन काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि जैन को टोनी से सच्चा वाला प्यार हो गया था, लेकिन अब जैन अपने प्यार को टोनी को नहीं बता सकती थी। और अगले दिन से जैन स्कूल जाने के बहाने से टोनी के साथ पूरा दिन टपा टप करती थी। एक दिन जैन के मामू से टोनी की कार से आते हुए देख लेती है, और घर पहुंचने के बाद जैन को उसे एक लेटर दिखाती है,
जो कि जेन की स्कूल कंप्लेन थी, क्योंकि वो काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी और उस लेटर में लिखा हुआ था कि जेन काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। जिसके बाद जेन की मॉम उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे पूछती कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, जिस पर वो अपने मॉम को बताती है कि मेरा एक दोस्त है और वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति है। और ये सुनने के बाद उसके घर वाले भी उसे कुछ भी नहीं बोलते। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जेन के घर वाले काफी लालची हैं। अगले दिन जेन अपने फैमिली को टोनी से मिलवाने के लिए ले जाती है, जहाँ टोनी भी उसके फैमिली से बात करता है, परंतु यहाँ पर उसके फैमिली को टोनी की बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और सारे लोग खाने के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ टोनी का खाना पीना और हराम पचाना था। लेकिन टोनी इन लोगों के हरकतों को देखकर इनके इरादों के बारे में समझ जाता है और वो इन लोगों को कुछ पैसे दे देता है। अब जैन के घर वालों को टोनी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर टोनी जैन के साथ दबाकर टपा टप करता है और उसके बाद जैन एक दिन टोनी से कहती है कि मेरी मॉम को कुछ पैसों की जरूरत है और वो पैसों के लिए उसे मना नहीं करता, क्योंकि टोनी पैसों की वजह से जैन को खोना नहीं चाहता था। और उसके बाद जैन की मॉम तेज बारिश में भी जैन के स्कूल आकर उससे पैसे ले लेती है। अब यहाँ पर जैन की सारी क्लास की लड़कियाँ उससे दूर रहने लगी थी, क्योंकि सारे लोगों को पता चल चुका था कि जैन कैसी लड़की है, परंतु जैन को भी इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जैन टोनी से कहती कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए फ्रांस जाना होगा। और उसके बाद टोनी जैन को अपनी माँ की दी हुई डायमंड रिंग उसे दे देता है, ताकि रिंग के बहाने वो टोनी को याद रख सके। उसके बाद टोनी अपने फादर के पास जा करके जैन के बारे में सारा कुछ बता देता है और बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है, परंतु यहाँ पर उसके फादर उसे साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद टोनी अपने फादर की सारी बातों को जैन को बताता है और उससे कहता है कि हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे, लेकिन जैन उस व्यक्ति को साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि जैन को ऐसा लगता था कि अगर हम दोनों भाग कर शादी करें तो उसके फादर उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। उसके बाद जैन के घर आने के बाद उसकी मॉम उसके हाथ में डायमंड रिंग देखती है और उससे कहती कि एक अलमुही तुमने ये कहाँ से लाई, और तभी वो उससे डायमंड रिंग ले लेती है। अगले दिन जैन का अकड़ू भाई किसी काम से बाहर जा रहा था, जिसे देखकर ये दोनों भाई बहन काफी खुश होते हैं, क्योंकि इसका बड़ा भाई बहुत ही चूतिया था जो कि इन लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया करता था। उसके बाद जैन टोनी से मिलने के लिए जाती है, जो कि काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी, जिस पर जैन उससे कहती कि तुम्हारी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुमसे मिलती रहूंगी और मैं ही तुम्हें दूंगी। लेकिन यहाँ पर टोनी फिर भी रोता रहता है। अब यहाँ पर जैन अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए फ्रांस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसके बाद जैन की मॉम उससे कहती है कि हमें फ्रांस जाने के लिए हमारी पूरी मदद टोनी ने करी है। जिसके बाद जैन टोनी से मुलाकात करने के लिए जाती है और पूरे दिन वेट करने के बाद भी टोनी उसके घर पर नहीं आता, और फ्रांस जाते समय उसे टोनी की कार नजर आती है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि टोनी उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन टोनी भी वहाँ पर नहीं आता। और फिर जैन काफी ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो स्टार्टिंग में आपने बूढ़ी माँ को देखा था, जो लिख कर कुछ हमें बताने की कोशिश कर रही थी, वो असल में जैनी ही थी, और ये सारी कहानी को लिख कर वो हमें बता रही थी। तब उसी दौरान उसे टोनी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं शादी के बाद भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और मरते दम तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और जितना कुछ भी आपने इस वीडियो में देखा वो जैन नाम की एक बूढ़ी औरत ही कर रही थी, जिसने अपनी कहानी को बताया। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।